और उत्तर प्रदेश के हरदोई से अगली खबर है, जहां सरकारी दफ्तरों में बारिश का पानी घुसा है, सरकारी अधिकारियों के घरों में भी पानी घुसने लगा है। एक घंटे की बारिश और सड़कें जलमग्न हो गई, लोगों के दुकानें और घर बारिश के पानी से भर गए। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन दूसरे तरह की समस्या उनके सामने खड़ी थी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया, कैसे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते शहर का ये हाल है। बरसात से पहले नालियों की सफाई नहीं हुई, जो कि निगम की एक बड़ी जिम्मेदारी, जिसके चलते पहली ही बारिश में लोगों को यह पता चल गया कि निगम कितना तैयार है। और बारिश अगर लगातार हुई तो बारिश कैसे लोगों की मुश्किलें खड़ी कर देगी, ये लोग समझते हैं। अधिकारियों का दावा है कि शहर की सड़कें ऊंची हैं, जबकि लोगों के घर का लेवल नीचा है। अधिकारियों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन आप देखें कि कैसे हरदोई के तमाम इलाकों के हाल बारिश के बाद कैसे हो गए।